दोनों ने यहाँ पर नॉक निकाला और देखिए 1.5 मीटर ही दूर है और उनके पास चारों के चारों प्लेयर जिंदा है। पुकार की तरफ से काफी अच्छा हमें स्प्रे देखने को मिलता है और उन्होंने चलती गाड़ी से पियर्स को गिरा दिया है। सैंडविच है को तीनों प्लेयर अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ पर लखनऊ जॉइंट पे हमला करेंगे। देखिए एक और थ्रोएबल का अच्छा कमाल दिखाया, मोलोटोव के साथ एक पिक निकाला लेकिन ऑस्टिन ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और मेडल अपने लिए पहला सेकंड डिनर आज का 75% कर लेंगे। जो फर्स्ट एड होती है वो 75% एचपी करती है, बट कैनरी यहाँ पर आरएन साइड पे थे बट रॉबिन ने एक अच्छा पीक निकाला और ये देखिए लाजवाब शॉट रिंजा का डीबीएस से। इट्स अ 2v1 सिचुएशन जिसको 1v1 बना सकते हैं स्प्रेगॉड बट एक फटका इज इनफ एंड सोल एलिमिनेटेड है ना। बेसिकली सोल ऑलमोस्ट ओआर को आड़े हाथ लेने वाली थी, चांसेस बदल जाते बट अब उनको पता है कि सामने वाले प्लेयर का भी एक प्लेयर नॉक है के अंदर सेकंड डिनर प्रेजेंट करते रहेंगे। एक ही ओपी भी नॉक हो चुके हैं और ओजी के लिए ये कठिनाइयों का समय है और ये सामने इंस्टेंट विजन है बट दैट उसी वाज अप अगेंस्ट दैट M416 क्रैट और शैडो ने डैमेज ले लिया है। शैडो क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, शैडो ने बैक टू बैक तीन बड़े फिनिशर्स निकाले हैं। असली खिचड़ी खाने के लिए वेलोसिटी भी आ गई है और शैडो और एसपावर के बीच में फिर से और शैडो की ये उसी पावर ने खत्म, इसका मतलब लालच का जो फैक्टर है वो खत्म है बट इतनी ओपन में आप रोटेट करेंगे, अरे ऐसे कोई थोड़ा कोई गार्डन है, यही प्रॉब्लम होती है। क्लासिक के अंदर ये पॉसिबल होगा बट हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जेली काउंटर नॉक हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी एक अच्छा साइन नहीं है। ओआर एक के बाद एक नॉक निकाल दी जा रही है, हावी पड़ रही है इस समय रेविनेंट के ऊपर और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है फॉर रेविनेंट क्योंकि पिछले मैच के अंदर भी अच्छे पॉइंट नहीं थे। गॉडलिन इन सबके बीच में रोटेट कर जाएगी और दिक्कतें यहाँ पर बढ़ती हुई क्योंकि जस्टिन एंड शो के दोनों के दोनों नॉक हो चुके हैं। ग्रैंड टेस्ट्रो के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है और टॉप डॉग भी, दोनों के दोनों प्लेयर अच्छे काम करेंगे लेकिन केमिन इन सबके बीच में एक थर्ड पार्टी करेगी। Now they are collecting more points. ये जाएगा एक ग्रेनेड कहानी खत्म कर सकते हैं। सोमराज के हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जंप शॉट और उन्होंने यहां पर एक 1v2 करके दिखाया है। अनफॉर्चुनेटली तीसरा पिक नहीं मिलेगा। एनिमा गेमिंग अपने लिए आज का चिकन सिक्योर करेगा।